थ्री जी है, इसका कार्बोरेटर साफ कैसे होगा देखिएगा। पहले ही तीन बोल्ट खोल लें, एक दो तीन, तीन बोल्ट खोल दीजिए, फिर ये ऐसे उड़ जाएगा। फिर इसका स्टैंड होता है, इसको यहाँ पे खांचा टाइप का होता है, इसमें डाल दीजिए, देखिए इसमें लॉक कर दीजिए, लॉक हो जाएगा ये। फिर यहाँ से कार्बोरेटर खोल दीजिए, जहाँ जहाँ से जैसे जैसे खोलते हैं उसको वैसे 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 बंद भी करना है। ये गाड़ी चलती है, झटका लेती है, एवरेज नहीं, सही नहीं, लोड नहीं ले पा रही, कार्बोरेटर क्लीन होगा। कटोरा ले आ जाए, आधी फिलहाल लग रहा है, एक अखबार भी ला के रखो बड़ा सा। स्लाइड बैठाते समय ये लेफ्ट पे रहेगा और ये खाता बड़ा वाला राइट पे रहेगा, ये लेफ्ट और ये राइट ऐसे लगाएंगे तो तुरंत बैठ जाएगा। अब कार्बोरेटर निकल चुका है, ये इसकी पिन है लॉक पेट्रोल वाला। नो फोन है प्लस, बोतल में नहीं रहने तो बोतल से नहीं होता है, बंद नहीं हो रहा है, ये लगाओगे बंद क्यों नहीं हो रहा है, पकड़ रहा है इसको ऐसे कटोरा पकड़ा। देखिए सर कार्बोरेटर खोल दिया, साफ क्लीन हो रहा है, गंदा था पेट्रोल से इसको धो लें, देखिए कितना गंदा था ये। ये गंदा पेट्रोल उसमें डाल दो, गंदा पेट्रोल है देखिए, अखबार ला के रखवा देंगे ना, कपड़ा ला देना बढ़िया ला, कपड़ा इसमें डालो तो सारे जेट खोल दिए, इससे एवरेज सेट होता है ये, इसको बंद कर दें पूरा से खोल लें दोबारा, इसको ढाई राउंड घुमाना है, ढाई राउंड पे आपके एवरेज सही देगी। क्या दिया इसको तुम्हें, इससे आपका
सेट होता है रेस। सबको संभाल के रखिएगा, जो जहाँ से खोले उसको वहीं बांधना है बस, बाकी कोई इसमें बहुत बड़ी कारीगरी नहीं है। सबसे जेड है, डालो डालो सब गंदगी निकल दे, पहले गंदगी फिर उसको पेट्रोल घोलेंगे। डालो ये देखिए दाल से कितना गंदा हो गया, बस हटा दे। कितना गंदा हो गया, कितना गंदा था ये, इसी वजह से गाड़ी झटका ले रही थी, एवरेज सही नहीं दे रही थी। इसका फ्लूट सही से रखें, इतना गंदा तेल हो गया देखिए इसमें, इतनी गंदगी इस कार्बेटर में थी तभी ये एवरेज भी नहीं दे रही थी और लोड भी नहीं ले रही थी। उसको सब डाल दो, गंदा है। अरे चश्मा देखा अंदर से ला, अभी क्लीन होके बंधेगा गाड़ी में वापस। इसमें देखिए छोटे छोटे छेद हैं जो तारों साफ, कॉपर के तार होते हैं, वायर दिखा दे रहा, इस तार से ऐसे कॉपर लेके इसको साफ करना है, छोटे छोटे छेद हैं ये रहे। ये छेद साफ होना बहुत जरूरी है, अगर छेद खुले रहेंगे तो आपकी गाड़ी अच्छी हो और स्मूथ चलेगी, छेद बंद है तो आपकी गाड़ी में सोच ले रही लोड लेगी और फिर धीरे धीरे चलेगी, झटका देके चलेगी। उसको वहीं वापस बांध दें, देखिए इसको बांध दिया। अभी तक फ्लूट भी नहीं साफ करने, फ्लूट को भी
पिन को सही से लगा के। देखिए बैटरी के फ्लू कितने लग गए। अब इसको लगा अब इसको चेक कर लें। बांध पिन को चेक कर लें। पेज कैसे कस लें इसे। अच्छी तरह से टाइट कर क्योंकि एयर भी हल्का सा भी रह जाएगा तो लीक करने लगेगा पेट्रोल। दो पेज को थोड़ा रखने तो एक ही रखे होते हैं। एवरेज वाला खोल लें। अब इसको घुमाना है आपको ढाई, एक दो ढाई। अब ये क्लीन हो गया, गाड़ी में रखने के लिए तैयार हो गया। ये तो अब के लिए तैयार है। अब हम इसी जगह पहुंच गए। अब कार्बोरेटर लगाने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। कपड़ा ला दे। कार्बोरेटर लगाने जा रहे हैं। ना पेट्रोल वाला उठा लो। ले इसको पकड़ दे रहा कार्बोरेटर तो। कार्बोरेटर पकड़ो। कार्बोरेटर सो पकड़ो ना। पेट्रोल का लगाना है। ला आपका पेट्रोल पाइप लग चुका है इसमें। आपका ये कार्बोरेटर बनने के लिए तैयार है। ये जो जो चीज़ मैंने जहाँ खोली तो वहीं से वापस को बांध दिया। पहला बोल्ट
यहाँ लगेगा। बोल्ट हमेशा ऐसे टाइट कर दीजिएगा सही से, एयर नहीं होनी चाहिए कहीं भी। ये ओवरफ्लो का पाइप है, ये यहाँ से निकलती है, यहाँ से आएगा वापस। स्लाइड थी जैसे मैंने बताया था, ये राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा, ये राइट ये लेफ्ट। हल्का सेट करिए, बैठ गया, और टाइट कर दीजिए, ये आप टाइट। जरा घुमा आप एक्सीलेटर घुमा कर थोड़ा, बस सही हो गया। ये आपका चौक देख लीजिए कैसे लगेगा, चौक को ऐसे ले जाना है, ऐसे घुमाना है इसको, और ये ऐसे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये अपनी जगह पे आ गया, अब इसको चौक को इसमें फंसाना है, आपको इसमें लाओ ला। इसको यहाँ से कस दें वापस, जहाँ से खोला था वैसे इसको कसना है। चेक कर लें ऐसे वापिस जा रहा ना, तो यहाँ से अब इसको वापिस चाबी से टाइट करते एवरेज कैसे अच्छा मिलेगा। खाली चार चीज़ों को आपको ध्यान देना है, एक तो आपको हमेशा अपनी गाड़ी में हवा सही करके रखना है, आगे 30 पीछे 40 टायर के बाद 30-40, और ब्रेक का इस्तेमाल जब ये करना है जब आपको लगाना है, हाथ से ब्रेक दबा के चलाएंगे तो आपकी क्लिच प्लेटें जा सकती है, इसमें क्लिच आपका ख़राब हो सकता है इसमें। और चौथी चीज़ का ध्यान देना है, जब भी आप रेड लाइट पर खड़े हों ज़्यादा देर तक तो गाड़ी बंद रखें, अब गाड़ी स्टार्ट होने जा रही है, ऑन करो। जब भी सुबह स्टार्ट करें तो पहले किक से स्टार्ट करें, क्योंकि इससे आपकी बैटरी पे लोड पड़ता है, इंजन ब्लॉक। अभी स्टार्ट होने जा रही है, ऑन हो गया ये, एक किक से स्टार्ट। हल्का कर लें,
हो गई है। आवाज एकदम से रेस नहीं लेना है, गाड़ी जब गर्म हो जाए तब गाड़ी चलाइए। अब इसको वापस बांध देंगे, अब इसको सब बांध देंगे वापस। इसका बॉक्स कैसे बंद होगा ये बताते हैं आपको। हेडलाइट इसका इंजन भी साफ कर लीजिए। जो भी आपका तेल निकलता है कार्बेटर से मिस्त्री नहीं करेगा, आप अपने आप से, मिस्त्री तो उसको उठा के फेंक देता है तेल को। आप अपने घर में करेंगे तो जो जो भी तेल बचता है उससे आप अपने इंजन को साफ कर सकते हैं, इंजन भी चमकता रहेगा आपका। साफ कपड़े साफ कर लीजिए। अब देखिए ऐसे हो गया जैसे नई गाड़ी आई है। डाला है मैंने, चलाया उसको 26,000 किलोमीटर, हर 2,000 रुपये और 2,500 रुपये उसका ऑयल अपने घर पे बदल सकते हैं। मैंने उसमें वीडियो डाला है कैसे सर ऑयल बदला जाएगा, मोबिल ऑयल घर बैठे आप सर्विसिंग करते हैं मात्र 300 रुपये में, खर्चा आएगा 1,000 रुपये के, और आप घर बैठे खाली 300 रुपये में सर्विसिंग कर सकते हैं। सिर्फ इसका लुब्रिकेंट चेंज कीजिए बस, कैस्ट्रोल ऑयल नहीं डालिए गाड़ी में। जब भी आपका कोई सामान खराब होता है सिर्फ ऑर्डर से अगर भी सही लें, किसी भी लोकल दुकान से ना लें। अगर वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कैसे देखिए कैसे कहाँ लगता है ये इसका, ये लग गया। अब इसको इसको रख दीजिए, बैठा दीजिए आराम से, देख लीजिए बैठ गया। अब इसको देखिए, अब इसे बैठा नहीं, अब इसे बैठा है, इसके साइड फोल्ड कर दीजिए जो जहाँ लगते हैं। एक दो, मैंने अपनी गाड़ी में लाइट भी लगा रखी डिग्गी है, जैसे रात को अब कुछ सामान वहाँ रखते हैं तो उसके ये लाइट भी लगी हुई है, जला के दिखा बैठा। ये लाइट तभी जलेगी जब आप चाबी आगे से ऑन करेंगे, वैसे नहीं जलेगी। ऑन हो गई, अभी ऑन हो गई, ये देखिए। आप रात को कोई भी सामान रखते हैं, ऑफ कर दिए बंद हो गए, ये ऑन हो गई। ये बटन भी लगा हुआ है इसमें, परमानेंट नहीं जलती रही, ये बंद कर दिए, बंद हो गई। मात्र 100 रुपये में आप अपने घर बैठे खुद लगा सकते हैं बैटरी। सही नट टाइट कर लीजिए, ये हो गया आपका पूरा क्लीन हो गया आपका कार्बेटर। अब आपको 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।